कुसुम, जल्दी से खाना बना दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। अभी अभी दफ्तर से घर लौटी कुसुम को देखते ही हॉल में लगे सोफे पर लेटे उसके पति राहुल ने न्यूज़ देखते हुए कुसुम से कहा। दफ्तर का बैग वहीं टेबल पर रख अपने कमरे में जाकर झटपट कपड़े बदल कर कुसुम बाथरूम की ओर मुड़ी ही थी कि उसकी सासू माँ ने कुसुम को अपने कमरे से ही कहा, बहू बाथरूम में दो चार कपड़े पड़े होंगे, उन्हें धो लेना। जी माँ जी। कुसुम बाथरूम में पहुँच फ्रेश होने से पहले बाल्टी भर भिगो कर रखे कपड़े धो हाथ पोंछ बाथरूम से बाहर आ सीधा किचन में पहुँची। किचन की सिंक झूठे बर्तनों से भरा पड़ा था। असल में लाख मिन्नतों के बावजूद सासू माँ अपने बेटे के बेरोजगारी का हवाला दे कोई नौकरानी रखने को तैयार नहीं थी। खैर, सारे झूठे बर्तन धोने के बाद कुसुम ने चूल्हे पर चाय के लिए पानी रखा ही था कि सासू माँ रसोई में आ पहुँची। अरे बहू, महंगाई में आटा क्यों गीला करती हो, चाय रहने दो। कुसुम ने चूल्हे की आँच बुझा दी, लेकिन रसोई में कुछ मदद करने की जगह सासू माँ ये कहते हुए रसोई से वापस जाने को मुड़ गई कि तरी वाली सब्जी बना लो और फुलके बनाकर जल्दी से खाना परोस दो। अपनी बच्ची की अच्छी परवरिश के मुँह में मौन रहकर घर बाहर दोनों संभालती कुसुम खुद को पल पल कटते उस पेड़ की तरह महसूस करने लगी जिसकी लकड़ी की कीमत लोग उसकी छांव से कहीं ज़्यादा लगाते हैं। रसोई में रोटियां बेलती कुसुम ने आज अपने घर वालों से इस विषय में बात करने की ठान ली, लेकिन बात शुरू करें तो कैसे, ये सोचते हुए कुसुम को एक तरकीब सूझी। एक सहकारी बैंक में क्लर्क कुसुम ने अपनी सास और पति को खाना परोसने के बाद अपनी बच्ची रानी को गोद में उठाकर अपने पति की ओर देखा और कहा, आज हेड ऑफिस से ट्रांसफ़र लेटर आया है, मेरा तबादला सतना हो गया है, सतना यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। उसके पति के हाथ का कौर हाथ में और मुंह का निवाला मुंह में ही रह गया। हाँ, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, मेरी दीदी वहीं रहती हैं, मैं वहाँ उनके साथ ही रह लूँगी। कुसुम ने अपने पति को निश्चिंत करना चाहा, लेकिन रानी तुम्हारे बिना कैसे रहेगी, उसके पति ने चिंता जताई। मैं रानी को अपने साथ लेती जाऊँगी, वहाँ मेरी दीदी इसका पूरा ख्याल रखेंगी। लेकिन बहू, तुम्हारे बिना इस घर को कौन संभालेगा। कुसुम की सास भोजन की थाली एक ओर रख कर चिंतित हो उठी। माँ जी, मुझे प्रमोशन भी तो मिल रहा है, यहाँ घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लीजिएगा। लेकिन कब तक बहू, यही कोई 2-3 साल तक, फिर मेरा वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन 3 साल बाद ट्रांसफ़र यहीं होगा, ये ज़रूरी तो नहीं। कुसुम की सास की चिंता जस की तस बनी रही। हाँ, ये बात तो है माँ जी, लेकिन हमारे घर में पैसों की ज़रूरत है। एक गिलास पानी भी खुद को उठा कर ना पीने वाले कुसुम के पति को तो कुसुम की बात सुनकर मानो जैसे काट मार गया था। लेकिन कुसुम की सास ने बहू से मनुहार किया, बहू कुछ दिनों में राहुल को भी कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी, तुम ट्रांसफ़र मत लो। लेकिन माँ जी, मुझसे घर बाहर दोनों का मिलाकर इतना काम नहीं हो पाता, मैं थक जाती हूँ। कुसुम असल मुद्दे पर आई, लेकिन सासू माँ ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं हूँ ना बहू, घर के हर काम में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। नहीं माँ जी, आपसे नहीं हो पाएगा, कैसी बातें कर रही हो बहू, तुम्हारे आने से पहले मैं ही तो पूरा घर संभालती थी। कुसुम की सास ने अपने बेटे की ओर देखा और कुसुम के पति ने भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाया। माँ सही कह रही है कुसुम, और मैं भी तो फिलहाल घर पर ही रहता हूँ, मैं भी मदद कर दिया करूँगा। सास और पति की बातें सुन और उनकी ज़िद देख कर कुसुम ने राहत की सांस ली। फिर तो ठीक है, मैं अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए कल ही आवेदन दे दूँगी। अपनी सूझबूझ की बदौलत कुसुम को असल मायने में अब वो घर अपना घर लगने लगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।